ये जो सैंडविच है ये एक इस बड़ी सी ब्रेड के साथ में, इस एकदम सॉफ्ट लोफ के साथ में इसे बनाएंगे हम। इसमें से करीब 3 सैंडविच बना सकते हैं हम, एक इतना, एक इतना और एक इतना, मतलब ये ऐसे। अच्छा, अब बड़े वाला बनाना है, छोटे वाला बनाना है, ज़रा अच्छा। इसमें ब्रेड ले ली हमने, ब्रेड को बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सॉफ्ट ब्रेड है एकदम, लेकिन ब्रेड के बीच में क्या जाएगा? ब्रेड के बीच में एक काम कर सकते हैं, ये हमारे पास में है चिकन, तो ये जो चिकन है ना, इसे ज़रा ये ले लेते हैं, ये देखिए, और इसमें ये इस तरह से हमने थोड़े से इसमें चीरा जो है उसमें लगा दिया, और फिर इसको सीजन कर लेते हैं, पेपर और ये सॉल्ट, सॉल्ट एंड पेपर ये ले लिया। ये हमारे पास में पैन, ये लीजिए, और ये जो चिकन है ज़रा इसमें थोड़ा सा नींबू भी आ जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा ये, तो ये नींबू ये चिकन के साथ में, मतलब चिकन के अंदर टेस्ट तो आना चाहिए ना, खैर टेस्ट आएगा, और टेस्ट के लिए कुछ और हम बनाएंगे, लेकिन जरा चिकन अच्छी तरह से टेस्टी बनाने के लिए इसमें नींबू और ये लाल मिर्च ये भी ले लेते हैं। फिर ये हमारे पास में है ये चिकन पकाने के लिए इसमें रख दिया, तो ये बेजल के पत्ते जो हैं ये ले लेते हैं, ये लीजिए बेजल के पत्ते ले लिए, उसके साथ में थोड़ा गार्लिक इसके अंदर, और ये मेरे पास पाइन नट्स, तो ये नमक इसमें डाल देते हैं, और नमक के साथ इसमें पार्मेसान चीज़, ये मेरे पास पाउडर है ये डाल दिया, और ये मेरे पास ऑलिव ऑयल। अच्छा, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अब क्या बन रहा है, ये बन रहा है बिल्कुल ठीक पेस्टो। चलिए जी, ये लेकर ये लीजिए, ये हमने तैयार कर लिया ये पेस्टो ब्रेड। अगर आप चाहते हैं इसे थोड़ा गर्म करना चाहते हैं तो ब्रेड को गर्म किया जा सकता है, एक साइड से गर्म कर सकते हैं, और ये जो हमारे पास है पेस्टो ये देख लेते हैं, ये देखिए ये जो हमारी चटनी सी तैयार हो गई है ना, बड़ी मज़ेदार ये चटनी, ये मज़ेदार चटनी, वाह। और ये इस्तेमाल करेंगे हम इस ब्रेड के साथ में, ब्रेड में भी हल्का सा ऑलिव ऑयल लगा देते हैं, और टमाटर लेकर कुछ टमाटर के स्लाइसेस ये लीजिए, टमाटर हो गया। चिकन में काम करते हैं, ये हमारे पास बेजिल के साथ में बनी हुई पेस्टो, थोड़ी सी पेस्टो इसमें भी लगा देते हैं, इसमें पेस्टो का सबसे ज़्यादा टेस्ट है इस सैंडविच के अंदर। चलिए, ये ब्रेड हमारी तैयार, और ब्रेड तो तैयार हो ही रही है, ये जो चिकन है ये लीजिए, बेजल से बनी हुई पेस्टो, नाइस पेस्टो लग गई, वाह क्या बात है, एकदम बढ़िया से। और ये लीजिए, जब तक टमाटर इसमें नहीं आएंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, और उसके साथ साथ थोड़ा नमक इसके ऊपर, और ये थोड़ा पेपर भी, ये लीजिए चिकन में भी अब पेस्टो लग गया है, और ये इसके अंदर टमाटर के साथ, ये लीजिए। ऐसी डिशेस तो मिलती हैं रेस्टोरेंट में, अब अपने घर में रेस्टोरेंट बनाइए, आपके घर का रेस्टोरेंट।
ग्रिल्ड चिकन पेस्टो सैंडविच बनाने के लिए इटालियन ब्रेड के 4 टुकड़े करें और उन्हें बिना पूरी तरह काटे चीर लें। चिकन ब्रेस्ट पर चीरे लगाएं, उन पर नमक, कुटी काली मिर्च, नींबू का रस और रेड चिली फ्लेक्स छिड़क कर अच्छी तरह लगा लें। पेस्टो बनाने के लिए बेसिल के पत्ते, लहसुन, चिलगोजे, नमक, पार्मेसन चीज पाउडर और ऑलिव ऑयल डालकर साथ में बारीक पीस लें। एक नॉनस्टिक ग्रिल पैन में तेल गरम करें, उसमें चिकन डालकर पकाएं जब तक चिकन पक जाए और उनके दोनों तरफ ग्रिल के निशान आ जाए। पैन में पक रहे चिकन के हर ब्रेस्ट पर एक बड़ा चम्मच पेस्टो फैलाएं, उन्हें पलटे और 2-3 मिनट तक पकाएं। अब ग्रिल पैन में ब्रेड के टुकड़े रखें और पकाएं जब तक उनके दोनों तरफ ग्रिल के निशान आ जाए। टमाटरों को स्लाइस करें, ब्रेड के टुकड़ों के चीरों में पेस्टो लगाएं, उन पर टमाटर के स्लाइस रखें, नमक और कुटी काली मिर्च छिड़के, फिर चिकन का ब्रेस्ट रखें। इन सैंडविचों को सर्विंग प्लेट पर रखकर परोसें।